हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक हमारे गेस्ट हैं जो कि आप ही तरह स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएससी जी एग्जाम इस बार क्लियर किया है और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनको मिल रही है। तो सबसे पहले सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी जर्नी के लिए, और आपने जो अचीव थैंक यू किया सर। है वो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन बच्चों को दें कि आपने अपना स्कूलिंग कैसे की, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की और आपका अटेम्प्ट क्या रहा है, एक बार बच्चों को बताएं। सर पहली बात तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है इंटरव्यू के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम हरेंद्र प्रजापति है, मैं 2018 में डिप्लोमा पास आउट हूँ। कॉलेज क्या था आपका? और हाँ, और मैंने जो हाई स्कूल अपना जो है गांव से ही एक स्कूल से किया था, गांव में मेरी स्कूलिंग हुई है। और डिप्लोमा जो है कॉलेज, उसके बाद मैं जो है जी सर डिप्लोमा आपने कहाँ से किया? सर मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से भी डिप्लोमा प्राप्त किया है। और तब से मैं तैयारी में था, उतना जो है बीच में कोरोना आ गया तो कुछ जो है डिस्टरबेंस हुआ था तो कुछ हो नहीं पाया। और इस बार मेरा चौथा अटेम्प्ट था एसएससी का, और जो है पहली बार जो है समझ लीजिए कि आया और जो है क्लियर हो गया अच्छे से। सर तो आपका रैंक वगैरह बताएं बच्चों को, जो आपका रैंक आ रहा है। मेरा ऑल इंडिया कंबाइंड रैंक की बात करें तो 332 है, और अगर मैं केवल सिविल की बात करूं तो 107 रैंक है मेरा। तो आपने जो है दोनों जर्नी देखा है, एज ए स्टार्टअप, जैसे हम स्टार्ट करते हैं और 2-3 साल जी मेहनत सर भी करते हैं एग्जाम, कभी कभी हमारा कुछ कुछ चीजों से नहीं निकलता है, आपने वो दोनों जर्नी देखी है। प्लस आपने कोरोना की भी जर्नी देखी है जिसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत आए, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में आए स्टूडेंट्स। तो आप ये बताइए, जो पहले तो जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है और तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर अगर मैं जो मेरी जो कमी रही उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। अगर जो बच्चे अभी नए नए स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तैयारी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस कवर कर लें। अगर एक बार आप सिलेबस कवर कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप उसका रिविजन करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितना हो सके आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चलता चला जाएगा। जी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका क्या रोल होता है सर बच्चों के लिए? क्या ये अनिवार्य है कोचिंग्स बच्चों आपको को? जो जी अगर देखें तो अगर आप अपने से सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे तो उसमें आपको टाइम अधिक देना पड़ जाएगा। अगर आपको कोई पढ़ाने वाला मिल जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो बेस दो अच्छा हो जाएगा। तो आप अगर पहले कोई कोचिंग ले लेते हैं तो अच्छा है, तो उससे आपका बेस अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो उसका रिविजन करना है और कहीं ना कहीं से लेके आपको टेस्ट सीरीज जो है क्वेश्चन आगे करते रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए ये बताएं बच्चों को थोड़ा आप। क्वेश्चन जो है आप अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरे अनुभव के हिसाब से जो है आप क्वेश्चन अगर कम ही अटेम्प्ट कर रहे हैं एक दिन में, अगर 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह कीजिए। आप उसके हाँ, अगल बगल क्वेश्चन देखिए, तो जो हमने टेस्ट इससे जो सीरीज है दिया उसका आपका एनालिसिस जो है करें। जी जी हाँ बाकी जो बच्चे 2-3 सालों से 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहिए, अब उनको क्या करना चाहिए, वो नया इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करें या अपने नोट्स पे ही लगे रहें? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 6 महीने पहले मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था अभी, तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपको पेशेंस करना पड़ेगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो आप उसको देखिए आपकी चीज़ें कहाँ पे कमज़ोर रह जा रही हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। और तो जो आपको है क्या लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो, जी हाँ, सर आपको क्या लगा कि जो मैंने पहले तैयारी की थी और जी जो जी अब है, जो अब हमने एग्जाम निकाला है, तो क्या कमियां लग रही थी जो आपने फुलफिल किया अपने एग्जाम निकालने के लिए? सर मैं पहले तो अपने सिलेबस पे ध्यान दे रहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, मैंने थ्योरीज पढ़ ली है तो मेरा हो गया, समझ लीजिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं किया था, तो उस पर मैं पिछले 1-1.5 साल में बहुत फोकस किया हूँ, तो उसी का नतीजा आज मुझे देखने को मिल रहा है। तो एक चीज है कि इस समय ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग दोनों चल रही है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी उनको क्या कर ज्वाइन करना चाहिए? सर जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपको चीज़ें अच्छी लगे, आपके माइंड को अच्छा लगना चाहिए। अगर आप जो है क्वेश्चन नहीं क्लास में पूछ रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन ही बेस्ट है। यदि आपको क्लास में क्वेश्चन पूछना है टीचर से तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। जी वो सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका कैसे सूटेबल है आपके लिए। जी आप कितना कैच कर रहे हैं आप पे डिपेंड करता है।
एसएससी जेई को जो मान हम मार्किंग करके अपने इंजीनियरिंग में एसएससी जेई को चलते हैं जेई के लिए, तो टेक और नॉन टेक दो पार्ट हैं। तो आप कैसे मतलब टेक्निकल तो लड़के कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है नॉन टेक कवर करने में, खासकर जीके पोर्शन। तो आपने उसको कैसे अपना कवर किया? सर, नॉन टेक के लिए अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी आप कवर कर लीजिए थोड़ा बहुत, उतने से आप काम हो सकता है। और जो है थोड़ा जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए और करंट पे थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो क्योंकि एसएससी का लेवल ऐसा रहता है, अगर वो आपको क्वेश्चन टफ दे दिया तो कोई बच्चा जो आपसे बहुत मैक्सिमम लाएगा तो 5 नंबर अधिक ला पाएगा, यही अंतर पड़ेगा। तो आप ये समझ मैं लीजिए कि आप उसमें ऐसा कोशिश कीजिए कि आपको जो है 20 नंबर तक आ जाए आराम से, एसएससी में मिनिमम 20 आ जाए आपके, तो जी आपसे जो है अच्छा लड़का रहेगा जो थोड़ा आपसे 2 नंबर अधिक लाएगा, 25 आ जाएंगे उसके। बस यही समझिए कि 30-32 नंबर से अधिक किसी का आएगा नहीं। तो आपको जो है अपना बेस समझ के चलिए टेक्निकल को ही, अगर आप हाँ मेनली टेक्निकल को जो अपना मेन बना के चलते हैं तो वहां से जो आपको बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। रीजनिंग के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस हाँ, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, आपका जो है उतना जो है रीजनिंग का है, क्या है आपका कहाँ से क्या रीजन लग रहा है उतना आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिस के द्वारा वो टाइम घटने लगता है आपका सॉल्व करने का। तो आपने कुछ बुक्स वगैरह जो फॉलो किया, जो बच्चों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि अपनी तैयारी को कैसे इम्प्रूव करने में, यदि आपने फॉलो किया? सर मैं अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स से आपको अगर खुद पढ़ सकते हैं तो इसे बहुत मुश्किल हो जाता है लड़कों के लिए, सबके पास बुक्स पड़ी रहती हैं बस वो रखी रह जाती हैं। हाँ तो मैं कहता हूं कि आप अपना नोट्स पहले बना लीजिए, कोई कोचिंग जहां से भी पढ़ रहे हैं आप उसका जो नोट्स बनाइए, 60 नोट्स बनाइए, उसको जो रिविजन कर लीजिए। या तो बुक मार्केट में जो भी 60 नोट्स हैं तमाम छोटे छोटे बुक्स हैं, आप उनसे जो अपने फार्मूले जो है टॉपिक्स छोटे बहुत वन लाइनर देख लीजिए और उसके बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए बस। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सर बस मैं इसी को वैल्यू दे रहा हूँ प्रैक्टिस को, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस तो जो हुआ है अभी तक हुआ है। तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए बच्चों को एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें, तो जी टेक्निकल को प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत बच्चे कंफ्यूज, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं कि इनसे कर लें उनसे कर लें, जी बहुत ज्यादा क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। तो क्या क्वांटिटी जी के पीछे भागना सही है, क्वालिटी के पीछे भागना? सर क्वालिटी के पीछे आप भागिए, लेकिन जो क्वालिटी वाला क्वेश्चन उसको एनालिसिस बहुत बढ़िया से कीजिए जी, आप कम क्वेश्चन कीजिए लेकिन उसका एनालिसिस बेहतरीन कीजिए। और एक क्वेश्चन आपसे, ये जो बच्चे हैं जब तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं कि चलिए अब एक एग्जाम आया उसके पीछे भागने लगे, जैसे अभी यूपी पुलिस की जी वैकेंसी आ गई है बहुत ज्यादा, तो कुछ टेक्निकल में ऐसे ही बच्चे हो जो उसके पीछे भागने लगेंगे, ऐसे छोट वैकेंसीज आती है उसके पीछे भागने लगते हैं और फिर उनका वो भी नहीं निकलता, इधर भी नहीं निकलता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, यही है कि आप अगर नाव पे चढ़ रहे हैं दो नाव पे पैर मत रखिए, क्योंकि दोनों की दिशाएं अगर अलग होंगी दिक्कत आपको आ जाएंगी, आप कहीं नहीं जा पाएंगे, ना इस नाव पे रह जाएंगे ना उस नाव पे जा पाएंगे आप। तो इससे बेस्ट है अगर आप एक लाइन में जा रहे हैं आप उसमें पेशेंस बना के चलिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पेशेंस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन चाहते हैं तो पेशेंस जी सर चाहिए ही जी आपको। तो सर सर अगर आपने जो एग्जामिनेशन दिए थे उनमें आपने एनालाइज किया होगा कि हम मार्क क्या मान के चलना चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए, हम एसएससी को ही मार्क मान के चल सकते हैं टेक्निकल के लिए? जी एसएससी को अपना एक मार्क मान ले, उससे पूरी टेक्निकल कवर कर लें, तो अदर एग्जामिनेशन भी हम निकल सकते हैं। ठीक जी सर है, तो कुछ मैसेज यदि बच्चों को आप देना चाहेंगे अपने ओर से तो आप भी दीजिए। सर जो पुराने बच्चे रह गए हैं मेरी तरह, जो अभी मुझसे हो सकते पुराने हो या फिर मेरी तरह ही लड़के हों, तो मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि सर हर सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। यदि आपको सफल होना है तो आपको असफलता का स्वाद जरूर चखना होगा। हो सकता है कभी बार आपको ज्यादा चखना पड़ सकता है, कभी आपको कमी असफलताओं में सफलता मिल जाती है। और जो नए बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही 3 चीजें, आप सिलेबस कवर कीजिए और उसको जो है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपने जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया होगा, तो कौन सी टेस्ट सीरीज आपको सही लगी, जो बच्चों को रिकमेंड करना चाहेंगे उनके लिए सही रहेगी? सर मैं बच्चों को अगर टेस्ट सीरीज की बात करें केवल, तो टेस्ट बुक को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे उसका कंटेंट अच्छा लगता है और एनालिसिस अच्छा रहता है उसका। टेस्ट बुक अच्छा आपका, तो उससे वहां से जितना प्रैक्टिस होता है करते जाएं टेस्ट दे करके, और एनालाइज करना सबसे ज्यादा जी इंपॉर्टेंट जी है कि सर जो टेस्ट हमने दिया है उसको एनालाइज करें। नहीं सर, यही तो गलती हो जाती है, टेस्ट देना अच्छी बात नहीं है, मतलब टेस्ट दे के छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, उसको एनालाइज कीजिए वो अच्छी बात है। आप दिन में
पूरा टेस्ट मत दीजिए, चलेगा, लेकिन उसका एनालिसिस पूरा दिन भर कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज जब अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स कम थोड़े आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो आपने भी दिया होगा, आपको भी ऐसे जर्नी से फेज आपने किया होगा, हाँ सर, सर तो क्या आपको लगता है इसमें क्या करना चाहिए? जब मैं सर शुरुआत किया तो मेरे यही रहते थे 10, अगर मैं 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हल कर रहा हूँ तो उसमें मेरे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक आते थे, तो मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं करता चला गया, करता चला गया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे 8, 9, 10 नंबर तक आने लगे। तो वही है कि अपने आप को एनालिसिस करते जाइए, टेस्ट सीरीज दें तो एनालिसिस जरूर करें और उन कमियों को अपने नोट्स में या जहां से भी अपने कंटेंट पढ़ा है वहां इंप्रूव करते जाएं। सर ठीक बस, है, हाँ ठीक है। बाकी आप नोट्स में रखिए उसको। हाँ, तो वो कंप्लीट हो जाएगा वहां से पूरा आपका। ठीक है, तो बाकी आपको कंग्रेचुलेशंस, तो आप अपनी जो जर्नी है आगे की बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने थैंक जो यू सर। कीमती आपने अपना जो कीमती समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। यदि और आप कुछ बच्चों को कोई एक लाइन में कुछ सर चीज आपने कहना मुझे चाहते मौका हैं, दिया इसलिए। आप एक लाइन में बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। सर एक कन्फ्यूशियस की एक लाइन याद आ रही मुझे कि जी अगर आप कभी लाइफ में नहीं गिर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर गिर कर उठ जा रहे हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बड़ी बात ये है। धन्यवाद आपका, कीमती समय आपने दिया बच्चों के लिए। थैंक यू।